हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.6 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आरडी शर्मा की कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पर सभी एक्सरसाइज की मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक्सरसाइज 12.1 से लेकर एक्सरसाइज 12.5 तक सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, अगर आपने आरडी शर्मा की लेटेस्ट बुक अब तक नहीं परचेस की है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए, ये आपका ट्रायंगल है एबीसी। ओके, एंगल ए का वैल्यू है 40 डिग्री। लेट से ये आपका एंगल है 40 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, इसके बाद बोला है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको बताना है इस ट्रायंगल की कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है ना। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको दो बातों का मालूम होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? पहली बात यह है, ग्रेटेस्ट एंगल हैज लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू इट। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपका एंगल सबसे बड़ा है, कोई भी एक एंगल सबसे बड़ा है, लेट से ये आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर लेट से ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ओके फाइन, अब देखिए, लेट से इस एंगल का वैल्यू है 100 डिग्री और ये एंगल है आपका 50 डिग्री, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। देखिए, ग्रेटेस्ट एंगल हैज लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू इट, यानी कि जो आपका सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट में, उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड है, अपोजिट में है, वही साइड आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, है ना। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, स्मॉलेस्ट एंगल हैज स्मॉलेस्ट साइड अपोजिट टू इट, यानी कि जो सबसे छोटा एंगल है उसके अपोजिट में, यानी कि ये वाली साइड, कौन सी? बीसी साइड, ये आपकी सबसे स्मॉल होगी। यही दो कंसेप्ट कहते हैं। पहला कंसेप्ट कौन सा है? जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। तो चलिए, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो इसको सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। आपको दो एंगल यहाँ पर गिवन है, आपको तीसरा एंगल भी निकालना पड़ेगा। एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू आपको गिवन है, एंगल सी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री, सिंपल। इसके बाद देखिए, एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू आप रख देंगे। एंगल ए का वैल्यू 40 डिग्री है और इसका वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहां से आप एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 40 माइनस 60। देखिए, यहां से वैल्यू आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ओके, तो एंगल सी का वैल्यू होगा 80 डिग्री। तो बच्चों, सभी एंगल्स का वैल्यू हमें यहां पर मिल चुका है। दो एंगल्स का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, हमने एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहां पर इन कंसेप्ट को अप्लाई करना है लॉन्गेस्ट साइड निकालने के लिए और शॉर्टेस्ट साइड निकालने के लिए। लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल है आपका एंगल सी 80 डिग्री और इसके जस्ट अपोजिट में कौन सी साइड है? ए बी साइड। तो ए बी साइड आपकी कैसी होगी? लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड होगी ए बी। इसके बाद देखिए, शॉर्टेस्ट साइड निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट एंगल है आपका एंगल ए। ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट साइड आपकी हो जाएगी, ये होगी आपकी बी सी, है ना, क्योंकि इसके सामने वाली साइड को आपको देखना है, यानी कि अपोजिट में, एंगल के अपोजिट में आपको देखना है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड्स।
तो इन कंसेप्ट को सिंपली आपको अप्लाई करना है, एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद आपको आसानी से यहां पर आंसर मिल जाएगा कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए ये आपके सामने एक ट्रायंगल है एबीसी और एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू आपको इक्वल गिवन है विच इज 45 डिग्री ईच, है ना। उसके बाद आपसे पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो आपको बताना है कि इस ट्रायंगल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको अप्लाई करना है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आपको ये एंगल भी फाइंड करना है। ओके तो देखिए आप बिना कुछ यहां पर सॉल्व किए, बिना कुछ लिखे भी आप यहां पर बता सकते हैं कि एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दो एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली जो तीसरा होगा वो भी 90 डिग्री होगा। 90 + 45 + 45 विच इज 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, देखिए 180 माइनस 45 माइनस 45। ओके तो यहां से आप देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 विच इज 90। ओके तो ये आपका एंगल ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो एंगल ए का वैल्यू हो गया 90 डिग्री और आपसे पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके लॉन्गेस्ट साइड के लिए हमने पढ़ा था कि जो भी एंगल आपका सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होगी वही आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो आप देखिए यहां पर देखकर ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि आपकी जो बीसी साइड होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड, यू कैन राइट देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड इज योर बीसी लाइन। ओके यू कैन राइट हेयर एज इट हैज ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट टू इट। ओके तो यही रीजन आपने यहां पर लिखा है एज इट हैज ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट टू इट, यानी कि इस साइड के अपोजिट में सबसे बड़ा एंगल बनता है, ग्रेटेस्ट एंगल 90 डिग्री। ओके और यहां पर आप लिख सकते हैं हमने एंगल सम रूल का यूज किया है या फिर आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।